नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आप सबों का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 502 का लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसे आप अंत तक जरूर देखें। ये क्वेश्चन आपका DLED एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संभावित प्रश्न है। चलिए देखते हैं। शिक्षण अधिगम और अनुदेशन में अंतर करें, ये पहला प्रश्न है। शिक्षण अधिगम और अनुदेशन में अंतर करें, ये तीनों में क्या अंतर है, ये हमको लिखना है। पहले शिक्षण का अर्थ, वैसे भी डिक्शनरी में यदि हम हिंदी में खोजने जाएं तो कुछ प्रत्येक शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ रहता है। तो यदि हम शिक्षण का अर्थ निकालेंगे तो उसमें सीधा सा लिखा रहेगा पढ़ाई, यानी पढ़ाना। अधिगम मतलब होता है सीखना। जब आप उसको डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे, हिंदी डिक्शनरी में जाएंगे, अधिगम मतलब सीखना, किसी चीज़ को सीखकर अपना व्यवहार में परिवर्तन लाना। और तीसरा चीज है अनुदेशन, मतलब किसी को निर्देश देना। जैसे हम लोग बताते हैं ऐसे करो, यहाँ इसको रखो, ऐसे उठ के वहाँ जाओ, ये निर्देश देना, अनुदेशन। आप निर्देश दे रहे हैं, उसको फॉलो कर रहा है, वो अनुदेशन कहलाता है। इसका अर्थ निकलता है डिक्शनरी में। तो अर्थ से कुछ कुछ अंतर स्पष्ट हो जा रहा है। यहाँ पर शिक्षण कार्य यानी कक्षा का बात हो रहा है कि कक्षा में बैठ के पढ़ाना बच्चे एक साथ। अधिगम मतलब सीखना कोई भी चीज़। ये जरूरी नहीं है कि हम कक्षा में रहकर कुछ सीख रहे हैं। हो सकता है हम खाना बनाने के लिए सीख रहे हैं, कोई दूसरा आदमी खाना बना रहा है, उसको हम देख रहे हैं, खाना बनाने के लिए सीख गए, ये अधिगम हो गया। अनुदेशन, जरूरी नहीं कि हम कक्षा में बैठा करके बच्चों को बता रहे हैं ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना है, वो कहीं भी हम अनुदेश दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं ये DLED कोर्स के अनुसार आपका शिक्षण क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। यहाँ पर जो मुख्य चीज है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अंतःक्रिया होती है, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में चर्चा होता है, सवाल जवाब होता है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं और सीखते हैं यानी पढ़ाई करते हैं। कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ये शिक्षण कहलाया। अब अनुदेशन, अनुदेशन में भी शिक्षार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है, यहाँ पर भी कुछ सीखने की मिलती है, लेकिन इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया नहीं होती है। सपोज दैट आप अभी YouTube देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आप हमसे बातचीत कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। केवल सुनकर जो मैं इसमें कुछ अनुदेश दे रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, उसको समझकर जो आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंतःक्रिया नहीं होती है अनुदेशन में, ये सबसे मुख्य है। और इसमें अंतःक्रिया होता है शिक्षण में, ये इसका मुख्य बिंदु है। शिक्षण में अनुदेशन सम्मिलित रहता है। जब हम सिखाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कक्षा कक्षा में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग अनुदेशन देते हैं। जैसे बोलते हैं ये बताओ, दो कांच का गोली लो, इसमें फिर दो और मिला दो, फिर जोड़ के बताओ कितने, या कुछ बच्चे गतिविधि करते हैं तो उसको हम लोग अनुदेश देते हैं। अनुदेश को पूर्णतः शिक्षण नहीं कह सकते हैं।
अनुदेशन को हम शिक्षण नहीं कह सकते हैं, पूर्णतः वह शिक्षण नहीं है। शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास संभव है, जबकि अनुदेशन में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास संभव है। जब अंतःक्रिया होता है बच्चों में तो एक अपनत्व की भावना यानी भावनात्मक विकास होता है, भावात्मक विकास हो जाता है, लेकिन अनुदेशन में केवल ज्ञानात्मक विकास हो पाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में अधिगम सम्मिलित रहता है। एक चीज़ है कि दोनों प्रक्रियाएं जब चलती है या होती है, आप शिक्षण कर रहे हैं या अनुदेशन कर रहे हैं, दोनों में ही अधिगम प्रक्रिया सम्मिलित है। मतलब आप कुछ सीख रहे हैं, आपका व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अधिगम होता है। सभी प्रकार के अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन आवश्यक नहीं है। मैंने अभी बताया कि सभी प्रकार के शिक्षण के लिए अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेशन आवश्यक नहीं है। हम कुछ देख करके, कुछ अनुभव करके भी अधिगम कर लेते हैं। वहाँ पर हमको कोई न सिखाया, न किसी ने अनुदेश भी नहीं दिया, लेकिन अनुभव करके या देख करके, अवलोकन करके अधिगम कर लेते हैं। तो सभी प्रकार के अधिगम में शिक्षण और अनुदेशन आवश्यक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने में शिक्षण और अनुदेशन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन यदि आप फास्टली अधिगम करना चाहते हैं तो उसमें शिक्षण और अनुदेशन की आवश्यकता होती है। यदि किसी बच्चों को शिक्षित या अनुदेशित किया जाता है तो वह जल्दी ही अधिगम को अर्जित करता है, उसका अधिगम स्तर जल्दी ऊंचा उठ जाता है। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक केंद्रित उपागम से क्या समझते हैं? अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषताएं, उपयोगिता और इस उपागम की सीमाएं को रेखांकित करें। यहाँ पर अध्यापक, इसका अर्थ समझिए, अध्यापक मतलब शिक्षक, केंद्रित मतलब जिसमें मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षक हो, और उपागम मतलब पढ़ाने की एक विधि, ऐसा पढ़ाने की विधि जिसमें सर्वे सर्वा शिक्षक हो, शिक्षक जैसा चाहता हो वैसा पढ़ाएगा, कक्षा जिस तरह से वो संचालित करना चाहता हो वैसा करेगा, अपनी रुचि के अनुसार करेगा, बच्चों की रुचि को ध्यान में नहीं रखेगा, तो उसमें हम अध्यापक केंद्रित उपागम कहेंगे। चलते हैं नीचे। अध्यापक केंद्रित उपागम में शिक्षक क्रियाशील रहता है तथा शिक्षार्थी केवल सुनते हैं। इसमें अध्यापक केंद्रित उपागम में शिक्षक क्रियाशील रहता है, चाहे वह ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा हो, चाहे वह कुछ बता रहा हो या क्लास में इधर से उधर घूम रहा हो, उसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है और बच्चे केवल सुनकर अधिगम की प्राप्ति करते हैं, सुनते हैं। इसमें शिक्षक का वर्चस्व रहता है, कक्षा में जो कुछ भी घटित होता है, बैठने की व्यवस्था से लेकर कब और क्या पढ़ाना है सब शिक्षक तय करते हैं। मैंने एक ही बात बोला कि इसमें शिक्षक सर्वे सर्वा होता है, ऑल इन ऑल इज द टीचर। तो जब इसमें शिक्षक सर्वे सर्वा है तो सब कुछ वही तय करेगा, कैसे बच्चों को बैठाना है, कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, ये सभी चीज़ें अध्यापक केंद्रित उपागम में निहित होता है। अनुशासन बनाना, प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों के मूल्यांकन का समय एवं प्रकार भी शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये देखिए सब कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं बार बार कि शिक्षक के द्वारा, इसमें सभी में आपको शिक्षक के द्वारा, शिक्षक क्रियाशील, शिक्षक सब काम कर रहा है, बच्चे केवल बैठे हैं। तो ये इसे हम अध्यापक केंद्रित उपागम कहेंगे, जिसमें शिक्षक सर्वे सर्वा है। फिर से सुन लीजिए, शिक्षक सब काम करेगा, बच्चे केवल सुनेंगे, बच्चे बैठे रहेंगे, शिक्षक तय करेगा कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे बैठाना है, किससे प्रश्न पूछना है,
मूल्यांकन हमको कैसे करना है, मूल्यांकन का समय कब होगा, ये सभी शिक्षक के द्वारा तय किया जाता है। अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषताएं, अब इसका विशेषता का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि जब इसमें सर्वे सर्वा शिक्षक है तो यहाँ पर भी उसी का विशेषता लिखना है। देखिए पहला नंबर है, इसमें शिक्षक सक्रिय तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षक तो सक्रिय है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, किसी बच्चे को खड़ा करके एक दो बच्चे को पूछ रहा है, लेकिन और सब बच्चे बैठे हैं, निष्क्रिय हैं, सुन रहे हैं। कक्षा प्रबंधन अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। कक्षा का प्रबंधन जो होता है अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार, कैसे वो खुद सोचता है कि हम अपनी ज्ञान बच्चों को कैसे संप्रेषण करें, अपने ज्ञान बच्चों को कैसे दें, वो अपने सुविधा के अनुसार कक्षा का प्रबंधन करता है। अध्यापक मुख्यतः विषय वस्तु को पूरा करने से ही संबंध रखता है। इसमें जो है अध्यापक जो टॉपिक उसको मिला है उसको पूरा करने से ही अपना संबंध रखता है। कक्षा क्रियाकलाप में शिक्षार्थी की सहभागिता शिक्षक द्वारा तय की जाती है। इसमें बच्चे कौन कौन सा कब क्या काम करेगा यह शिक्षक तय करेंगे। कौन सा काम बच्चे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सभी शिक्षक तय करते हैं। ज्ञान शिक्षक से छात्रों में पहुंचता है। इसमें औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि अध्यापक द्वारा सुनिश्चित की जाती है। औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखा जाता है, हर एक विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पार्टिकुलर विद्यार्थी का हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, औसत विद्यार्थियों का ध्यान में रखकर सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षक द्वारा निर्देशित या पढ़ाई वस्तु को सकारात्मक रूप से सुनने, पढ़ने, लिखने आदि पर बल दिया जाता है। इसमें शिक्षक जो निर्देशित करते हैं या पढ़ाते हैं उसको सकारात्मक रूप से बच्चों को सुनना है, पढ़ना है और लिखना है, इस पर बल दिया जाता है। अध्यापक केवल सही उत्तर पर ध्यान देते हैं, यदि कोई गलत उत्तर दे रहा है तो उस पर उतना ध्यान शिक्षक नहीं देते हैं। अध्यापक केंद्रित उपागम की उपयोगिता, कहाँ ये उपयोगी है या अनुपयोगी, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। यह उपागम पूर्ण रूप से अध्यापक पर निर्भर रहता है। इसमें अध्यापक अपने संप्रेषण कौशल से शिक्षार्थियों को नई अधिगम करवाते हैं। जब एक ही कक्षा में बहुत अधिक विद्यार्थी बैठे हों तो यह उपागम लाभदायक है। जहाँ पर एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं और वहाँ गतिविधि करना संभव नहीं है तो वैसी जगहों में यह उपागम लाभदायक है। और जो उच्च कक्षा में, यदि हम बात करें उच्च कक्षा में, यह उपागम लाभदायक होता है। अब अध्यापक केंद्रित उपागम की सीमाएं क्या, हानि यानी इसकी क्या बॉन्डेड है। इसमें बच्चों के रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिससे बच्चे से इसे पसंद नहीं करते हैं। हम शिक्षक अपनी पसंद का यहाँ कर रहे हैं, बच्चों की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जब बच्चों की रुचि को ध्यान में नहीं रखेंगे तो बच्चे इसे पसंद करेंगे क्या? बच्चे नहीं पसंद करेंगे। शिक्षक की रुचि के अनुसार है तो इसे शिक्षक पसंद करेंगे, न कि बच्चे पसंद करते हैं। इस उपागम में शिक्षार्थी निष्क्रिय रहता है, जिससे कक्षा का छुबाऊ लगने लगता है। शिक्षक इधर लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जो है सुनते सुनते उबने जैसा लगने लगता है, उबता है, क्योंकि वो निष्क्रिय रहता है। इस उपागम में वाद विवाद और परिचर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है। वाद विवाद हो ही नहीं सकता है, परिचर्चा हो नहीं सकता है। बड़े आकार की कक्षा में प्रत्येक बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। 40-50 बच्चा एक साथ बैठे हुए हैं, 45 मिनट का एक कक्षा होता है प्रायः। अब उस 45 मिनट में एक अध्यापक सभी पार्टिकुलर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है, वो जैसे तैसे अपना पाठ को केवल पूरा कर पाता है। यहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। अध्यापक केंद्रित उपागम में सतत और व्यापक मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे लाइक करें,
शेयर करें, आपका डीएलएड का ग्रुप में इसे शेयर करते रहें ताकि दूसरे लोग भी इसको जानें। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना नाम और पता लिखकर सेंड करें, मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ूंगा। यहाँ पर हमेशा ताज़ा अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको जो भी कोई परेशानी होती है डीएलएड से संबंधित, बीएड से संबंधित, या जे टेट, सी टेट, अपने स्तर के राज्य स्तरीय टेट, उन सभी का यहाँ पर आपका समस्याओं का निदान होगा। इसलिए आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या पार्टिकुलर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।